मेंबर्स ढाका नवाब फैमिली और बिरादरान खानदान, अस्सलाम वालेकुम। आप सबों को ईद मुबारक। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान की हालत मेरी जिम्मेदारी लेने से पहले बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक था। हर तरफ जंगल ही नज़र आता था। गाय, बकरी और कुत्ते हमारे उन बुजुर्गों के कब्र पर घुमा करते थे जिन पर सारा कौम और मिल्लत नाच करता था। मुझे ये बर्दाश्त न हुआ। लिहाजा मैंने मेंबर्स ऑफ नवाब फैमिली और खानदान के दूसरे मेंबरों को लेकर एक कमेटी बनाया और आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान को डेवलप किया। इस कार्य खैर में आप लोगों का और मिस्टर अनस का कोऑपरेशन शामिल है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। दो साल पहले जोर्डान के बादशाह के अंकल रहमान सुबान की बीवी के कब्र ज़ियारत के लिए ढाका आए थे। कब्रिस्तान में रहमान सुबान और फारूक सुबान ने मुझे भी दावत किया था और कहा कि और हिदायत-ए-तिरमिज़ी से कहा ये कब्रिस्तान हलीम साहब का ज़ेर निगरानी है। जवाब में हिदायत-ए-तिरमिज़ी ने कहा कि ये कब्रिस्तान नहीं है बल्कि एक गार्डन है। इट वॉज ए ग्रेट टेस्टिमनी फॉर मी। पर अभी भी बहुत सा काम बाकी है। अगर आप लोगों का कोऑपरेशन शामिल हाल रहा बाकी काम भी पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ आप सबको अल्लाह ताला हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस अता करे। जहाँ भी रहें खुश रहें। खादिम-ए-मिल्लत ख्वाजा हलीम।